एक और बीएमसी कहती है स्वच्छ मुंबई सुंदर मुंबई, वही दूसरी और मुंबई में कई ऐसे क्षेत्र है जहां लोग आज भी कचरे की गंदगी के कारण परेशान नजर आते हैं। अपने ही किए वादे के अनुसार बीएमसी कहीं ना कहीं मुकरती हुई नजर आ रही है। ऐसे एक क्षेत्र है कांदिवली पश्चिम चार को प्लिंक रोड का, जहाँ के रहवासी कई दिनों से कचरों की गंदगी से काफी परेशान है। जब हमारे संवाददाता ने इस विषय को लेकर लोगों की राय ली तो लोगों ने कहा कि कचरे की गंदगी के कारण कई लोग बीमार पड़ रहे हैं। जब इस बात की कंप्लेंट नगर सेवक और बीएमसी को की गई तो उन्होंने भी नजरअंदाज कर दिया। अब सवाल यह है कि कब तक बीएमसी की लापरवाही के कारण मुंबईकरों को परेशानियों से जूझना पड़ेगा। नाम बताइए। मेरा नाम ओम प्रकाश पांडे है, मैं यहाँ पास के चाल में रहता हूँ। यहाँ से मैं यहाँ पे कॉलेज में जाता हूँ और वहाँ से आते जाते मैं पैदल आता हूँ मेरे चौके से। यहाँ पे आए दिन यहाँ पे कचड़ों की वजह से दुर्गंध आती है हमें और हमारी मतलब औरतों और लड़कियों को नाक बंद के यहाँ से गुजरना पड़ता है। यहाँ पे एक पास मदरसा है और मदरसा में छोटे छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं, उनको भी एकदम तकलीफ होती है। दुर्गंध इतनी ज़्यादा आती है कि यहाँ पे रहना मुश्किल हो गया है। और बीएमसी वाले 3 या 4 दिन में कभी आते हैं या नहीं आते हैं, उससे थोड़ा बहुत साफ करके चले जाते हैं। और यहाँ के नगर सेवक जो भी वो भी कोई कुछ केयर नहीं करता है। सर जी, लगभग आप कितने सालों से यहाँ रहते हैं? मेरे को 10-12 साल हो गए, मैं यहीं पर पैदा हुआ। 12 सालों से यही प्रॉब्लम? यही प्रॉब्लम ये आए दिन प्रॉब्लम है रोज का है। तो आप लोगों से कभी किसी ने बीएमसी में शिकायत की है? बीएमसी वाले आते जाते हैं तो उन लोग खुद देखते हैं, लेकिन उन लोग को कोई मतलब केयर करने का कोई जरूरत नहीं है। आपने कभी बीएमसी में शिकायत दर्ज नहीं करवाई? बीएमसी में शिकायत दर्ज करवाई है, कई बार करवाई है, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिलता। समस्या तो बहुत सारी है, ये देख रहे हो कचरे ऐसे भरे पड़े रहते हैं। बीएमसी से बोल बोल के थक गए हैं नगर सेवक के, हाँ हमारे लोग गए हैं, लेकिन जो भी कार्रवाई है सामने देख रहे हो। इससे और किन किन को तकलीफ होती है? सभी लोगों को तकलीफ है। अंदर तो कहने के लिए बीएमसी इतनी बड़ी बड़ी बातें ठोक रही है, फेंक रही है, ये धुआं छोड़ता ये छोड़ता, लेकिन अंदर इतने बीमार पेशेंट भरे पड़े हैं कि उनकी कोई कार्रवाई होने का नाम ही नहीं होता है। आप यहाँ से चलते आते जाते हैं, यहाँ से आपका डेली रूटीन है, तो आप काफी समस्याओं का? बहुत समस्या है। एक तो इतना स्मेल आता है और बास मारता है कि इधर से गुजरने के लिए इच्छा नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर रहना पड़ता है। मुंबई में रोजी रोटी के लिए आए हैं तो खाना पीना तो पड़ेगा, लेकिन मजबूरी है कि हमको यहाँ रहना पड़ रहा है।